हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर FYJC का, उसके सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं और YouTube पे एज वेल एज हमारा जो एप्लीकेशन है CS अपन सर उस पर अपलोड किया है। हमारे ऐप में फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अकाउंट्स के एज वेल एज मैथ्स के वीडियोज आप एब्सोल्युटली फ्री वहां पे देख सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे कमेंट में पिन कर रहा हूं, तुरंत डाउनलोड करिए, देखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अगर एक्सपर्ट बनना है तो हमारे सीरीज के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, पक्का फुल मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला, पेड रेंट 2000, रेंट पे किया है हमने, निखिल को रेंट पे किया है, निखिल लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को हमने 2000 रुपया रेंट पे किया है। हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब ये गड़बड़ हो गया ना, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से निखिल के अकाउंट को डेबिट कर दिया। वापस एक बार, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, निखिल का अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। तो निखिल के अकाउंट को डेबिट कर दिया है तो क्रेडिट करेंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए। रेंट डेबिट होना चाहिए था जो नहीं किया है, तो रेंट को आप डेबिट करोगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा आपका? रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और निखिल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। रेंट टू निखिल, रेंट का अमाउंट है 2000 रुपया। नरेशन होगा, बीइंग निखिल्स अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 200। तो लेट मी एक्सप्लेन विथ अ स्मॉल एग्जाम्पल। ये मैंने एक सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो से हम अप्रैल महीने का सेल्स बुक या सेल्स रजिस्टर हम लिख रहे हैं और ये चार हमारे कस्टमर हैं। ये फिगर रुपीज इन 1000 है, तो 2000, 3000, 4000 और 1000, यानी टोटल 10000 का हमने सेल किया है और इसका टोटल हो गया है 10200। अरे रे रे रे, ये टोटल 10200 सही है क्या? नहीं ना, गलत है, पर क्वेश्चन में वही तो बोला है, वही मिस्टेक किया है। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 200। तो एक्चुअल टोटल कितना था? एक्चुअल टोटल 10000 था, पर हमने टोटल कर दिया है 10200। अब देखते हैं इस गलती से प्रॉब्लम क्या होगा। तो जब हम यहां से सेल्स रजिस्टर में से लेजर में पोस्ट करेंगे, ए बी सी डी हमारे चार कस्टमर हैं, तो कस्टमर के अकाउंट में डेबिट में पोस्ट करेंगे। एंट्री क्या होता है? डेटर टू सेल्स। तो यानी ए को हम डेबिट करेंगे, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, टू सेल्स 2000। बी को डेबिट करेंगे, टू सेल्स 3000। सी को डेबिट करेंगे, टू सेल्स 4000। डी को डेबिट करेंगे, टू सेल्स 1000। यानी डेबिट में तो टोटल 10000 गया, क्योंकि डेबिट हम यहां से करने वाले इंडिविजुअल कस्टमर को। पर जब हम सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे, बाय सन्ड्रीज अप्रैल महीने का सेल 10200। ऐसे होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये अप्रैल का सेल है। तो मजे की बात यह है कि कस्टमर में जो डेबिट होगा वो इंडिविजुअल होगा, वो यहां से होने वाला है, पर सेल्स अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो टोटल होने वाला है। अब गलती तो यहीं पे है ना, कि ये टोटल 10000 होने के जगह 10200 हो गया है, तो क्रेडिट साइड 10200 हमने लिख दिया है। अब पहले यह समझिए कि यह वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर मतलब
डेबिट तो सही हुआ है, क्रेडिट 200 से ज्यादा हुआ है। तो वन साइडेड एरर को अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो जर्नल एंट्री नहीं होता है। आई विल रिपीट, वन साइडेड एरर अगर हो उसे रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री नहीं होता है। जहां पे गलती हुआ है सिर्फ वही पार्ट रेक्टिफाई करना होता है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट 200 से अपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया है तो इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? सिंपली बाय राइटिंग 200 ऑन द डेबिट साइड, दैट्स इट। सर क्रेडिट क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करना है बाबा, वो पार्ट तो बराबर है ना, जो पार्ट सही है उसको क्यों छेड़ोगे? तो क्रेडिट आपने ज्यादा कर दिया था, 200 से डेबिट कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, ये तो हमने समझाया, आप इसको ऐसे लिखोगे, सेकेंड एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक मत लिखिएगा, सेल्स अकाउंट बाय रुपीज 200, ओके। और ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, टू टोटलिंग एरर 200 रुपया। यानी जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो इधर लिखेंगे टू टोटलिंग एरर 200 रुपीज, ठीक है। देखो अकाउंट्स में ना ऐसा नहीं होता है कि गलती हुआ तो हम वाइटिंग लगा के उसको चेंज कर दें, जैसे हम नॉर्मली हमारे सम्स में करते हैं। अकाउंट्स में अगर ये गलती हुआ है तो ऐसा नहीं कर सकते हो इसको कैंसिल करो और 10,000 लिखो चलो आगे बढ़ो, ना 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 बाबा, उसको रेक्टिफाई करने के लिए 200 को डेबिट करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझा है, नहीं समझा तो कमेंट में लिखो जरा, हम डिटेल में वापस आपको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड, गुड्स सोल्ड टू धनराज 6,500 ऑन क्रेडिट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यानी अगर मैं यही एग्जाम्पल लूं तो यहां पे सेल्स में तो धनराज का अमाउंट लिख दिया था 6,500, पर जो धनराज में डेबिट करना होता है वो भूल गए, क्रेडिट तो कर दिया क्योंकि रजिस्टर में लिखा था बराबर से, तो ये टोटल में आ गया था तो सेल्स अकाउंट में भी आ गया होगा। वापस एक बार इधर देखते हैं, देखो मिस्टेक क्या है पहले वो समझना पड़ेगा, तब जाके उसको रेक्टिफाई करोगे। तो गुड्स सोल्ड टू धनराज 6,500 ऑन क्रेडिट वॉज नॉट पोस्टेड, देखो ये गलती है, वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो क्या सेल्स अकाउंट में कुछ गलती हुआ है? नहीं हुआ है, गलती सिर्फ धनराज के अकाउंट में हुआ है। तो अगर पोस्ट नहीं किया है तो अभी कर दो भाई, ये वन साइडेड एरर है, क्रेडिट साइड बराबर हुआ है, डेबिट साइड जो धनराज में लिखना था वो नहीं लिखा है। तो अगेन इसको रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए जैसे ऊपर लिखा हमने, एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय, क्या करेंगे, बाय डेबिटिंग धनराज अकाउंट बाय रुपीस, कितना अमाउंट है 6,500। तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 6,500, ठीक है बेटा। चलिए फोर्थ, ओल्ड कंप्यूटर परचेस्ड फॉर ओल्ड कंप्यूटर परचेज वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट 8,000। एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर हमने खरीदा और उसको रिपेयर अकाउंट में लिखा है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया भाई। अगर हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, कंप्यूटर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट का नाम से अकाउंट डेबिट होना चाहिए, या तो हमने रिपेयर में डाल दिया तो ऐसी गलती नहीं चलेगी। रिपेयर में डेबिट किया है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। डेबिट क्या होना चाहिए था, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ये
फोर्थ ट्रांजैक्शन है, कंप्यूटर को डेबिट नहीं किया है, तो अभी करो भाई, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया और 2 रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिट। इसको क्यों डेबिट किया था, गलती हो गई, तो 2 रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपया। इसका नरेशन होगा बीइंग रिपेयर्स अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, चलिए लास्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। रिपेयर्स टू फर्नीचर 500 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। लो कर लो बात, चौथे में जो मिस्टेक किया उसका एग्जैक्टली उल्टा मिस्टेक किया। अब यहां पे हमने फर्नीचर नहीं खरीदा है, फर्नीचर में कुछ प्रॉब्लम था तो कारपेंटर को बुला के उसको रिपेयर करवाया। वी हैव नॉट बॉट अ न्यू फर्नीचर, देन वी कांट डेबिट फर्नीचर अकाउंट, गलती हो गया। अच्छा ठीक है, फर्नीचर डेबिट कर दिया है, गलत है तो क्रेडिट कर दो उसको। डेबिट क्या होना चाहिए था सर, डेबिट होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट, तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, रिपेयर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट और 2 फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्या था 2000 ना 500 रुपीज है, तो 500। नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो ये तो हमारा रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 4। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड हमारा ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जरूर करिए ऐप को डाउनलोड। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।